नमस्कार दोस्तों, इनकी एज 25 ईयर्स है। इनका पहला सवाल है, क्या मैं पढ़ाई करूं या फादर के होटल लाइन में, यानी खाने पीने की होटल है इनकी, उसमें ज्वाइन हो जाऊं। पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो 28 तक आपके हाथ में योग बने हुए हैं, 28 तक आप पढ़ाई कर सकते हो। तो आराम से अगर पढ़ाई करना है, व्यवसाय में कभी भी जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो जो उतार चढ़ाव है मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, पर 28 तक आपके हाथ में पढ़ाई के योग बने हुए हैं। शादी अरेंज होगी या लव, आपके हिसाब से, आपके हाथ के हिसाब से मुझे अरेंज शादी ज़्यादा लग रही है। और मैरिज एक ऐसी सब्जेक्ट है, मैंने कई लोगों के हाथों में देखा है, अगर दो व्यक्ति उसे मिलकर शादी होती है तो किसी एक के हाथ में स्ट्रांग साइन होती है लव मैरिज की, तो दूसरे को वो खींच कर लेकर आ जाता है। आपके हाथ में तो लव मैरिज के चांसेस कम है, पर हो सकता है आप किसी से लव करते हो और उस व्यक्ति के हाथ में लव मैरिज के संकेत हो, तो मैं कह नहीं सकता, पर आपके हाथ में दिख नहीं रहा। संतान का मुझे देखने नहीं आता, वाइफ का सपोर्ट मिलेगा, 100% वाइफ का सपोर्ट मिलेगा, आपको पारिवारिक और सांसारिक सुख अच्छा मिलेगा। प्रॉपर्टी होगी, 100% होगी प्रॉपर्टी, क्योंकि उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में आते हैं, पर आपको प्रॉपर्टी के योग आपके हाथ में बने हुए, कोई टेंस लेने की बात नहीं है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा या धनुषा का रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर ये स्क्वेरिश पाम है, व्यक्ति मेहनती भी उतना ही होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है, तो जैसे आपने बताया कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ये जब फैलेंज हमारा नुकीला नहीं होता तो हम कार्य के प्रति, कोई भी कार्य, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो काम बिजनेस से रिलेटेड हो, उसमें उतनी एनर्जी से व्यक्ति काम नहीं करता, कहीं ना कहीं ध्यान भटकता भी है उसका। सेकेंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाओगे और पैडिंग भी अच्छी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेता है व्यक्ति। और सामने ये अगर उंगली बड़ी होगी, इस फोटोग्राफ के हिसाब से बड़ी लग रही है, ये उंगली बड़ी होगी तो ईगो प्रॉब्लम भी होगा और ये आपको धार्मिकता भी देती है। अब ईगो प्रॉब्लम ये पर्सनल में प्रॉब्लम देता है और इसके कारण परिवार भी कष्ट उठाता है, पर व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादा कष्ट होता है। तो इस तरह का जब भी इश्यू आए तो उसे निग्लेक्ट करने की आदत रखिए, नहीं तो आपको हर्ट करेगी ये वस्तु जीवन में। ये उंगली जब हटकर चलती है तो व्यक्ति की जो सोच और समझ होती है वो डिफरेंट होती है, चाहे वो सामाजिक सब्जेक्ट हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट, इनकी कंप्लीट अलग सोच होगी। ये गांव से अलग चलने वाले लोग होते हैं और कई बार तो इतना डिफरेंट सोचते हैं कि हम सोचने लग जाते कि कोई व्यक्ति इतना डिफरेंट कैसे सोच सकता है, तो ये भी इनमें खासियत होती है। जनरली उंगली जब साइड में चलती है तो पता नहीं चलता कि ये उंगली पहुंच रही है कि नहीं, पर ये उंगली मेरे हिसाब से इस फैलेंज से भी ऊपर जा रही है ऐसा महसूस हो रहा है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अभी इनका इंक लगा हुआ पाम लेते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी ज़्यादा लाइन हो और बुध पर्वत भी अच्छा है तो व्यक्ति सुंदर भी होता है, उसकी वाणी भी अच्छी होती है, दो चार भाषाओं का जानकार भी होता है और बिजनेस सेंस भी अच्छा होता है, और प्लस बुढ़ापे में अच्छी समृद्धि भी होती है। तो ये सारे लक्षण आपके हाथ में दिख रहे हैं। अब आपके हाथ में सन माउंट पर साइनों को देखते हैं। इस फोटोग्राफ में केवल यहाँ पर आभास हो रहा है, ये इस जगह पर, और दूसरे फोटोग्राफ में वापस चलते हैं।
एक यहाँ पर है, एक, और ये कम से कम 8-10, 6-7 mm की है, एक यहाँ पर है, दो, और एक यहाँ पर भी है, ये तीन, टोटल 4 साइन है और एक यहाँ पर भी है। ये नाड़िका रेखा वालों के हाथ में फिश साइन ढूंढना, यानी सफ़ेद चावल में से सफ़ेद कंकड़ ढूंढना, इतना हार्ड सब्जेक्ट होता है। तो पैसा तो आप कमाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके हाथ में 4 से 5 लकी साइन है। तो पैसे के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब ये जुपिटर की ओर जाती हुई लाइन, ये जब जुपिटर की ओर जाती है और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। और ये जुपिटर की लाइन 4 बेनिफिट दिलाती है, एक पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, दूसरा दिला सकती है, तीसरा ससुराल पैसे वाला, और चौथा जो भी कार्य करता है व्यक्ति बड़े स्तर का करता है। तो किसी को 4 लाभ प्राप्त होते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। हो सकता है आपके जो संतान हो वो भविष्य में विदेश जाए, तो विदेश से धन प्राप्ति की भी लाइन आपके हाथ में है, और आपका चंद्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है। पर इस तरह की जब किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, तो जनरली उन व्यक्तियों के साथ मैंने देखा है जीवन में, उनके जो संतान विदेश जाते हैं और वो अर्निंग करते हैं, वो यहाँ पर शो होती है। ये फोर्क भी बन रहा है, तो व्यक्ति अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है। ये थोड़े सा पाम स्ट्रेच कर दिया, मैंने दूसरे फोटो देखे, इनके जुपिटर माउंट में कोई कमी नहीं। इन्होंने जो प्रश्न पूछा था कि वाइफ का सपोर्ट मिलेगा, आपका जुपिटर माउंट मैंने दूसरे फोटोग्राफ में देख चुका था, क्योंकि आपने सवाल पूछा था, तो मेरे हिसाब से कोई जुपिटर माउंट में खराबी नहीं लग रही है। तो आपको पारिवारिक सांसारिक सुख, ये तो आपने उंगलियों को पीछे कर दिया है, इसके लिए ये उभार कर बाहर आ रहा है, पर मैंने दूसरे फोटो में देखा है कि खराब नहीं दिख रहा मुझे। ये आपको धार्मिक बनाएगी, ये जो गुरु बल है ये आपको धार्मिकता, बुढ़ापे में आप अच्छे खासे मंदिरों के आसपास या मंदिरों के ट्रस्टी, इस तरह के आप दिखोगे। आप एक लाइन, दो लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, प्लस सेवाभावी और धार्मिकता, ये 4 वस्तुएं ये लाइनें देती है। अंडूनी मंगल भी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों की। उसके सामने बाहरी मंगल भी अच्छा है, जब बाहरी मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं हिम्मती होता है, जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और ये जो लाइन है, ये कभी ना कभी आपको पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजाजी की ओर से आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। सेकंड, अगर ये ना हो तो कभी कभी व्यक्ति को जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा भी हमारे जीवन में तकलीफ आती है। चंद्र पर्वत, आप खाने पीने की होटल व्यवसाय वाले हो, पर आपका जिस तरह का चंद्र पर्वत है, ये आपको विदेश घुमाएगा तो जरूर, बहुत अच्छा परचेसर होता है व्यक्ति जब चंद्र अच्छा होता है। तो विदेश से संबंध आता है, भले इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करो, पर कहीं ना कहीं विदेश से संबंध आएगा जरूर आपका जीवन के किसी न किसी पार्ट से, और घूमने तो जाओगे आप। सेकेंड, अच्छे परचेसिंग के साथ साथ निर्णय शक्ति अच्छी होती है, रिफाइंड सोच होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, और सबसे बड़ा एडवांटेज देखिए कितना बड़ा मनी ट्रायंगल बना हुआ है, बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लेंगे, अच्छी खासी। जनरली फिश साइन वालों को न भी हो मनी ट्रायंगल, पर इनमें है तो ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है ही है। शुक्र पर्वत में कोई कमी नहीं, ये लग्जरी लाइन है, आपको लग्जरियस लाइफ मिलेगी जीवन में, और शुक्र भी अच्छा है, ये व्यक्ति को थोड़ी सी कामुक भावना देता है, प्लस
अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरी लाइफ का शौक उसे पूरा भी करते। खुद का प्रेजेंटेशन ऑलवेज व्यक्ति अच्छी तरह रखता है। आपकी हृदय रेखा भी एक सर्टन एज के बाद यहाँ से शुरू हो रही है, यानी एज लगभग आपकी 30 के आसपास या 31 के आसपास आएगी, तो पैसों की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। और हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, और ये जो लाइन है ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है, और ये फ्लर्ट लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। इनकी माइंड लाइन देखिए कितनी डिफरेंट है। जब इतनी डिफरेंट हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद ही नहीं आता। पर परिवार को जब जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी खासियत होती है इनमें। और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होंगे आप, जुपिटर से निकल रही है बहुत ज़्यादा, और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं, और माइंड लाइन काफ़ी बड़ी है तो बुद्धि प्रतिभा तो भरपूर रहेगी। सेकेंड, जब नीचे की तरफ झुकते जाती है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप बहुत ज़्यादा धार्मिक होते जाओगे, सपने बढ़ते जाएंगे, इमेजिनेशन पावर बढ़ते जाएगा, धार्मिकता बढ़ती जाएगी, बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करोगे। इनकी एक आध साल के अंदर ही शादी होने के पूरे चांस है, ये लाइन इनकी जीवन में शादी कराएगी। अब जो पढ़ाई का है ये देखिए 28 के आसपास तक ये ऑफशूट है, और ये ट्रायंगल भी बन रहा है, तो आप 28 तक पढ़ाई कर सकते हो आप। तो मैं तो कहूँगा पैसा तो जीवन भर कमाना है, पढ़ाई कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। और आपकी धन रेखा भी एक सर्टन एज के बाद ही अच्छी हो रही है, तो आपके पास समय भी है। उसके बाद देखें 28 के ऑफशूट के बाद एक 29 में छोटी सी रेखा काट रही है, और ये यात्रा भी कराएगी आपको। फिर उसके बाद एक और लाइन आपको काट रही है, वो एज ऑफ 31 के आसपास, और यहाँ पर भी आपको यात्रा करनी पड़ेगी, यानी ये 2 साल आपके यात्रा में जाएंगे 28 और 29 के आसपास, और ये 31 में 28 या 30 के आसपास समझो, और 31 में एक राहु रेखा आपको काटेगी जो कोई ना कोई तकलीफ देगी आपको 31 में। उसके बाद 35 में एक छोटी सी राहु रेखा है, 37 में थोड़ी सी बड़ी है, और 38 में थोड़ी सी छोटी है, फिर 40 में छोटी है, 44 में मध्यम टाइप की है, और एक छोटी सी 48 में। तो राहु रेखाएं ज़्यादा नहीं है, केवल एक 37 वाली थोड़ी सी मोटी है, बाकी तो छोटी मोटी सबके जीवन में आती है, और ये आपको यात्रा भी ज़्यादा करवाएगी। ये लाइन फोर्क बना हुआ है तो ये यात्रा भी आपके जीवन में ज़्यादा होगी। एक 31 के आसपास या था 29 के आसपास आपको कोई ना कोई पारिवारिक खर्च आएगा, ये लाइन आपको पारिवारिक खर्च देगी, और ये पीरियड थोड़ा सा संभालना 41 के आसपास का, 40 से 41 का पीरियड संभालना, यहाँ बड़ा आर्थिक नुकसान जाएगा आपको। उसके बाद ऐसा कोई कट नहीं है आपके लाइफ में, सीधी चल रही है। अब आपकी धन रेखा को जैसी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक आपकी धन रेखा अच्छी नहीं है, 29 या 30 तक, ये 29 में कट है या 30 में कट है, वहाँ तक आपकी धन रेखा अच्छी नहीं है, चाहिए वैसी नहीं है, तो इतना प्रोग्रेस भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका समय आएगा अच्छा, ये 35-36 तक आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, 30 के आसपास से लेकर 35-36 तक आप अच्छा पैसा कमाओगे। फिर यहाँ तक का जो पीरियड जाएगा ये पैसा तो कमाओगे, थोड़ा कम कमाओगे, पर बचेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ नहीं है, एक्सपेंस लेवल बढ़ जाएगा। 36 से लेकर 46 तक ये कंडीशन रहेगी, यानी 10 साल कम ग्रोथ रहेगा, मैं इसका उपाय भी दे दूँगा। उसके बाद फिर वापस आपकी कमाई चालू हो जाएगी, पैसा बचना चालू हो जाएगा,
और यहाँ से फिर एक विदेशी धन रेखा की और चल रही है, और एक और लाइन है, एक और लाइन है, तो मल्टीपल इनकमें भी रहेगी आपके जीवन में आगे चलकर। तो ज़्यादा टेंस मत लो, यहाँ पैसा तो आएगा पर आपके पास बचत इतनी नहीं हो पाएगी। ये पीरियड आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा यहाँ तक का, फिर ये 10 साल कमजोर रहेंगे, फिर वापस पैसा कमाना चालू करोगे। यहाँ पर भी पैसा तो कमाओगे, इस पार्ट में भी पैसा तो कमाओगे क्योंकि साइन है आपके हाथ पर, बचेगा कम और जो एबिलिटी होगी उससे थोड़ा सा कम मिलेगा आपको। फिर यहाँ से वापस पैसा मिलना चालू होगा अप टू बुढ़ापे तक। तो कोई ज़्यादा टेंस लेने वाला हाथ नहीं है, हर एक के जीवन में थोड़े साल ऊपर नीचे होते ही है, तो ये आपको भी संभालना है। और ये पीरियड में खास संभालना, यहाँ पर बहुत बुरी तरह से एक रेखा ने काटा है, ये पीरियड 40 या 41 के आसपास बड़ा आर्थिक नुकसान देगी ये, और एक छोटा सा नुकसान यहाँ पर भी जाएगा 47-48 के आसपास। उसके अलावा कोई ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ तक इतना प्रोग्रेस नहीं है 30 तक, उसके बाद आपके जीवन में प्रोग्रेस शो हो रहा है। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।